स्वागत है वीडियो का एक और माई जेब की वीडियो में। और भाई ये होने वाली है हमारी फोर्थ वीडियो इस सीरीज की। और भाई लास्ट एपिसोड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते क्योंकि हम आ चुके हैं नंबर टू की पोजीशन पे। क्योंकि भाई स्मैकडाउन ने हमारी बैड बजरी शुरू कर दी है, गंदी वाली। भाई लास्ट तीन चार शो से भाई वो मतलब लाइक 5 स्टार, 4.5 स्टार, 3.5 स्टार, मतलब लाइक 4 स्टार से मजाक करके दे रहा है भाई। और वो देख सकते हो भाई आप लोग कि हमारा शो है भाई नंबर टू पे, स्मैकडाउन है नंबर वन पे, एरिक बिशॉप है नंबर थ्री पे। तो एनएक्सटी ने भी अच्छा करना स्टार्ट करता है, बट लास्ट में उसका भी बेकार हो गया था। तो चलते हैं भाई, बुक करते हैं इस हफ्ते का शो। ऑलराइट गाइस, तो इसी चीज की कमी रह गई थी भाई, वैसे ही मैं रेटिंग में हार रहा हूँ। ऊपर से मेरे मुंह पे फेंक के मारा एक कार्ड भाई स्मैकडाउन ने, बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर का। तो इसमें ऐसा सीन है भाई, जो मेरे राइवलरी चल रही है मेरे प्लेयर्स के बीच में, वो रिड्यूस हो जाएगी। किसी भी रैंडमली प्लेयर की जो राइवलरी टू चल रही है वो रिड्यूस होके एक पे आ जाएगी। तो ऐसा सीन है भाई, तो इसी की तो जरूरत थी भाई मुझे। बहुत बढ़िया स्मैकडाउन, बहुत बढ़िया। तो चलो भाई करते हैं बुक हमारा शो रेसलमेनिया बैकलैश का, और देखते हैं भाई कि कैसे जाता है। मैंने प्रॉमिस किया था इस हफ्ते मैं बहुत बेटर करूंगा, तो लेट्स सी, देखते हैं। मेरे को अपने ऊपर ट्रस्ट है, बाकी शो बुक करने के बाद पता चलेगा। तो फटाफट से करते हैं शो बुक। और गाइस, तो मेरे पास मैसेज आ चुका है ट्रिपल एच का, द सीईओ ऑफ कंपनी का। भाई उन्होंने बोला कि ये अच्छा नहीं लगता भाई देखने के, भी फैंस देखे दो राइवल्स को आउटसाइड द रिंग हैंग आउट करते हुए। तो भाई मेरे ब्रांड के दो कोई सुपरस्टार है जो राइवल है रिंग में, बट वो आउटसाइड द रिंग हैंग आउट कर रहे हैं टुगेदर। तो इसने बोला भाई उनको बोलो कि थोड़ा प्रोफेशनली बिहेव करे। तो बट है कौन यार, वो मुझे भी तो नहीं पता, लेट्स गो पूछते हैं भाई। ओके, लायंस वर्सेस तमीना, लायंस एंड तमीना भाई वो हैंग आउट कर रहे हैं साथ में और वो फ्रेंड्स है आउटसाइड द रिंग, तो उनको बोलना पड़ेगा भाई। ड्यू टू द हाई डिमांड पावर कार्ड आर गोइंग टू बी मोर एक्सपेंसिव दिस वीक। ओके, ऑल राइट, एक्सपेंसिव होने वाले। अरेंट ओके, थिंक्स अरेंट वर्किंग आउट एट रॉ, आई एम रेडी टू टीयर अप माई कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव ऑन। व्हाट द हेल कोडी, व्हाट द हेल, नो नो भाई, ऑलरेडी इनकी राइवलरी चल रही है भाई। नहीं भाई, इनको तो मैं जाने दे सकता, बाकी इनको व्हाट द हेल बोनस चाहिए 100K। और यार इतना तो मैं नहीं दे सकता, मैं इनको दोबारा बाय कर सकता हूँ, देखते हैं इनकी प्रायोरिटी चलेगी कि नहीं। तो नो चांस कोडी, सॉरी, ऑलरेडी मैं गरीब हूँ भाई, तो नहीं दे सकता। आई फिगर एज मच, देन गुड बाय, होली शिट। और भाई इन्होंने बोल दिया कि मैं अभी निकल रहा हूँ भाई, अभी, राइट नाउ, राइट नाउ। इन्होंने अभी छोड़ दिया भाई, अभी छोड़ दिया। लाइक एक तो इवेंट रुक सकते थे भाई, एंड यू कैन कीप योर मनी, आई एम आउट ऑफ हियर। शिट, मेरे तो बैंड बच गए भाई, और मेरे को प्री फिजियो कार्ड मिल गया जो कि मैंने लास्ट टाइम कर लिया था भाई ऑन कमिश्नर गोल से। तो लिव मॉर्गन को भाई आज अपेयर करना है अपने होम टाउन क्राउड के सामने, तो लेट्स सी अपन क्या कर सकते हैं उनके लिए। एंड लेट्स सी भाई आज का कमिश्नर गोल क्या है, एंड फ्री अरीना बुकिंग मिलेगी इससे मुझे। बाकी क्या है, डू नॉट पुट ब्रॉक लेसनर इन अ मैच दिस वीक, सॉरी ये तो मैं नहीं करने वाला। तो फटाफट से करते हैं शो बुक एंड मिलते हैं आपसे फटाफट शो बुक करने के बाद, लेट्स गो। और गाइस, तो बुकिंग हो चुकी है अपनी कंफर्म भाई, बुकिंग मैंने ये की है भाई, अपने ये सारे मैचेस है भाई, एंड मैंने दो लेजेंड साइन कर लिए भाई अपने लिए, वो है बिल गोल्डबर्ग एंड दूसरे है जेक द स्नेक रॉबर्ट। और भाई कॉल आउट भी करवा दिया उनका ताकि दुश्मनी अभी से बिल्ड हो जाए भाई। और सॉरी भाई, ये रेसलमेनिया बैकलैश नहीं है, रॉ है भाई, एक हफ्ते का रॉ हमारा बस था रेसलमेनिया बैकलैश से पहले का। तो वही अपन लोग ये करने वाले और देखने वाले कि हमारा शो कैसे जाता है। बाकी मेरे तरफ से मैंने काफी शो बेटर किया भाई, मेरे पास काफी प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, एंड मेरे को कोडी रोड्स भी छोड़ के चले गए भाई, उन्होंने भी मेरे लात मार दी क्योंकि उनका 100K का बोनस चाहिए था भाई, वो मैं नहीं दे सकता था, बहुत ज्यादा है। तो इसलिए भाई सॉरी कोडी, बट अगर कोडी अवेलेबल हुए तो हम उनको वापस से परचेज कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। बाकी इसमें देखते हैं भाई पहला मैच अपना कैसे जाता है। और भाई 45,000 का मैच दिया है भाई स्टील केज का, तो लेट्स फिंगर क्रॉस एंड क्लिक करते हैं क्रॉस पे, देखते हैं भाई कैसा बढ़िया जाना चाहिए भाई, प्लीज अच्छा जाना चाहिए मैच क्योंकि इनकी राइवलरी वैसे चल रही है। अमेजिंग मैच एंड राइवलरी पहुंच गई भाई फोर्थ पे राइवलरी पहुंच गई, तो भाई अपने लिए फायदा क्योंकि आने वाला रेसलमेनिया बैकलैश, तो मजा आ गया भाई। एंड ओ नाइस, इनका भी अच्छा गया भाई, एक्सलेंट गया भाई इनका कॉल आउट, पहुंच गए इनकी दूसरी पे राइवलरी। और मिड कार्ड मैच है भाई, लेट्स सी, देखते हैं भाई, इससे मुझे उम्मीद नहीं है वैसे, इससे उम्मीद नहीं थी मुझे, बट ये भी भाई अच्छा मैच मिल गया मुझे, तो मैं खुश हूँ भाई। स्टार्टिंग के दो मैच मेरे बहुत अच्छे चले गए, लेट्स सी भाई, बिल गोल्डबर्ग और इनका भी गुड गया रेटिंग, और भाई एक पे चल चुकी जा चुकी उनकी राइवलरी, इनसे मुझे उम्मीद नहीं है, बट लेट्स सी उम्मीद नहीं है एंड इट्स गुड। भाई क्या हो रहा है भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे अच्छे अच्छे मैचेस कैसे जा रहे हैं भाई मेरे, सीरियसली उम्मीद नहीं थी, बट अच्छा गया भाई मैच, अच्छा गया। ओके गया भाई प्रोमो हमारा, चैरिटी प्रोमो, एंड हमको 5,000 फैंस मिल गए, लेट्स सी ये वाला कैसे जाता है भाई, मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, लेट्स सी। ओके एंड इट्स ऑल्सो गुड, तो आई एम हैप्पी,
मतलब मैं खुश हूँ भाई मेरा जैसा बैच गया। तो भाई करते हैं कंटिन्यू एंड देखते हैं भाई स्मैकडाउन के क्या हाल चल रहे हैं। लेट्स सिमुलेट देयर ऑल मैचेस भाई। तो सी भाई कैसा हाल चाल है। पहला मैच अमेजिंग दे दिया, मेरा भी अमेजिंग गया था बाय द वे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके इनके तो वैसे अच्छे मैच जा रहे हैं भाई, डिकोडा काय और बियंका प्लेयर के। आई थिंक ये भी अच्छा ही जाएगा भाई, एक और अमेजिंग मैच। ओके ओके इनके भी मैचेस अच्छे जा रहे हैं बाय द वे। नाइस बढ़िया मिड कार्ड मैच एमवीपी। ओके ये इनका खराब चला गया, चलो ठीक है बढ़िया। तो रेटिंग ऑलमोस्ट बराबर टाइप है क्योंकि मेरा तीसरा भी भाई अच्छा गया था, 4.5 3.5 स्टार कुछ था, तो अच्छा गया था भाई अपना। तो रेटिंग में आई गेस मैं ऊपर हो सकता हूँ, बट चेक करते भाई। लेट्स सी इनका कैसे जाता है भाई। ब्रॉन स्ट्रोमन जीत गए एंड पहला मैच भाई। एनएक्सटी ने दो शोज अच्छे दिए, उसके बाद से इन्होंने कोई शो अच्छा नहीं दिया भाई, कोई शो अच्छा नहीं दे पा रहे बेचारे, पता नहीं क्या ही हो रहा है भाई इनके साथ। बट लेट्स सी भाई, यू नेवर नो भाई। इनके पास पैसा बहुत सारा है और ये बचा के रखा है भाई इन्होंने पैसा, और आगे भाई ये यूज़ करेंगे पैसे। तो लेट्स सी भाई, लेट्स सी कुछ भी हो सकता है। ओके द वेल इट्स गुड, इनसे तो मैं रेटिंग में जीत गया हूँ भाई। चैरिटी प्रोमो करवाया था भाई इन्होंने। ओके वो भी इनका ठीक ठाक गया है बाकी। ओके ये भी गुड दिया, तो रेटिंग में इनसे तो मैं फेयर एंड स्क्वायर जीत गया हूँ भाई। और रेटिंग की तरफ थोड़ा सा रुक करते हैं, देखिए भाई रेटिंग में एक मैच जीता है, मतलब एक हमारा पहला ड्रॉ हुआ, दूसरा जीता है स्मैकडाउन, तीसरा जीत गया हूँ मैं एंड उसके बाद चौथा हमारा ड्रॉ गया है। तो भाई रेटिंग मेरे और स्मैकडाउन के बीच में टाई हो गया है, बाकी एनएक्सटी दूर दूर तक नहीं है भाई। तो ये रेटिंग रही है, बाकी करते हैं कंटिन्यू है, देखते हैं भाई फैंस कितने गेन किया अपन ने। लेट्स सी ओके 58,000 ऑल राइट नॉट बैड, एंड 40,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है। लेट्स सी इन्हें 54,000 का हुआ है, 88,000 का इन्हें प्रॉफिट हुआ है भाई, क्या बात है। नाइस ओके 38,000 के फैंस हुए हैं एंड 76,000 का प्रॉफिट। ओके फ्री अरीना बुकिंग का मिल चुका है भाई हमें कार्ड, तो ये बढ़िया हो गया हमारे लिए। एंड स्टिल अमन 2 नंबर 1 पे है भाई, नंबर 2 पे ही है, कर्ट एंगल नंबर 1 पे है भाई, बट ज़्यादा दूर नहीं है भाई, हम भी पास जा सकते हैं उनके, और एनएक्सटी बहुत दूर है, एनएक्सटी के बारे में तो बात ही मत करो। तो चलते हैं भाई करते हैं हमारा नेक्स्ट शो को बुक, लेट्स गो। तो भाई स्मैकडाउन बाज नहीं आ रहा भाई, वो हमारे मुंह फेंक के मारे जा रहा है भाई पावर कार्ड्स, और एक और पावर कार्ड लग चुका है और हम हो चुके हैं सोल्ड आउट। मतलब कि हमारे जो पावर कार्ड्स हो गए भाई उनका जो रेट हो गया भाई वो डबल हो गया है। तो अपन अगर कोई भी पावर कार्ड खरीदते हैं तो भाई अपन को बहुत महंगा पड़ने वाला है, तो लेट्स सी भाई देख देख क्या होता है। बट जरूरत नहीं है भाई पावर कार्ड की हमें, अभी तो वैसे हमारा चल रहा है ठीक ठाक, बाकी करते हैं कंटिन्यू इसको। ऑलराइट तो ट्रिस्ट्रास ने मुझे डीएम किया भाई, पूछते हैं उनको क्या चाहिए। ओके उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है भाई, तो पूछते हैं उनको कितने चाहिए भाई। नहीं यार सॉरी इतने तो नहीं दे पाऊंगा मैं ट्रिस्ट आपको। ओके हाउ अबाउट 95, यार 95 भी बहुत ज्यादा है यार स्टिल, बट हाउ अबाउट 95, या 95 भी बहुत ज़्यादा, आई हेट पेइंग बट ओके आई टेक द ऑफर। ओके ठीक है ले लिया ऑफर दोनों, ड्यू टू द हाई डिमांड पावर कार्ड आर गोइंग टू बी मोर एक्सपेंसिव दिस वीक। ओके मैं समझ गया, उन्होंने मुझे पहले पता चल क्या चुका था। ओके द फैंस आर स्टार्टिंग टू गेट अ लिटिल टायर्ड ऑफ महान एंड मिकमैन। ओके महान एंड मिकमैन की राइवल्स से थोड़े परेशान हो गए हैं भाई फैंस, तो ये भी अपन को ध्यान रखनी पड़ेगी, तो उनका मैच खराब जा सकता है क्योंकि भाई फैंस अब परेशान हो चुके हैं। तो देखते हैं भाई, आफ्टर आर राइवलरी हैज इट्स फर्स्ट मैच एट लेवल 4, यू वॉन्ट गेट अ फुल बोनस फ्रॉम इट। ओके फुल बोनस नहीं मिलेगा मुझे, री मैचेस अंटिल यू मेक द बुकिंग। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ऑल राइट। वेयर हैव बिन यू, यू सैड वी हैड अ पार्टनरशिप दैट यू हैड माई बैक, डेड वी नॉट हैव दैट कन्वर्सेशन। यस भाई मैं तो भूल ही गया यार, मैंने इनको प्रॉमिस किया था कि मैं इनके कॉर्नर में रहूंगा। ओके 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 सॉरी सॉरी वीर, सॉरी थोड़ा पुश ओवर, सो वॉच योर स्टेप। ओके आई एम सॉरी, आई हैड इनफ क्रैप, वर्किंग एट रॉ हैज बीन कंप्लीट जोक। अरे यार क्या बात कर रहे हो यार गंथर, ऐसे कैसे यार आप इंजर्ड पड़े हो, मेरी गलती थोड़ी यार भाई, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई। द ओनली वे यू कैन कन्विंस मी टू स्टे विद द 100K बोनस, अदरवाइज आई एम रेडी टू वॉकआउट राइट नाउ, व्हाट्स इज गोना बी। भाई मैं देने वाला हूँ भाई, सॉरी मैं देने वाला हूँ, मैं नहीं चाहता ये निकले भाई, क्योंकि भाई मैं इनको नहीं चाहता निकलने देना, क्योंकि इनकी राइवलरी चल रही है भाई ब्रॉक लेसनर के साथ, और मेरी इन्होंने मेरे को कंगाल कर दिया भाई, मेरे ब्रांड ने मेरे को कंगाल कर दिया। जरा मेरे पास पैसा देखो, मेरे पास पैसा देखो भाई, दो प्लेयर्स ने मेरी ले ली है बुरी वाली और कर दिया मैं खत्म। ओके हैव एटलीस्ट वन सबमिशन मैच दिस वीक। ओके सबमिशन मैच रखना है इस वीक और मुझे मिलेगा क्या भाई,
कोस्ट टू कोस्ट मिलेगा, ओके नाइस, कोस्ट टू कोस्ट मिलेगा, ओके लेट्स सी भाई। तो करते फटाफट से अपने रसल मेनिया बैकलैश का शो बुक, और मिलते हैं आपसे शो बुक करने के बाद फटाफट से, लेट्स गो। और गाइस तो शो हो चुका है अपना बुक, तो भाई ये मैंने शोज बुक करे, ये हमारा पहला मैच है भाई, ट्रिश स्ट्रैटस वर्सेस शार्लेट फ्लेयर, एंड मैंने एडवर्टाइजमेंट दी, एडवर्टाइजमेंट दी है भाई, एडवर्टाइजमेंट कराई है भाई हमारे जॉबर से, एंड फिर मिड कार्ड मैच है भाई हमारा वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, एंड भाई लेजेंड्स हमारे लेजेंड्स जिनकी दुश्मनी कराई थी आज के दिन के लिए ही तो दुश्मनी कराई थी भाई, तो उनका भी मैच है भाई हमारा, जेक द स्नेक रॉबर्ट वर्सेस द बिल गोल्डबर्ग, और मिड कार्ड मैच एक और भाई उसोज वर्सेस द आरके ब्रोज, एंड ब्रॉक लेजर वर्सेस द गंथर जो कि है हमारा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, और ये है हेल इन अ सेल। तो करते हैं कंफर्म और भाई देखते हैं भाई कि कैसा जाता है, बट उम्मीदें हैं भाई मुझे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, तो लेट्स सिमुलेट दिस वन, ओके आई थिंक दिस गोइंग टू बी अ बैंगर, दिस इज गोइंग टू बी अ बैंग, कैसे नहीं गया ये बैंगर, ऑडियंस को मजा आया बट स्टिल भाई इसकी 8 लेवल की पॉपुलैरिटी और कम हो गई, बट हमें 1000 मिल गए तो इट्स गुड भाई, क्योंकि मैं गरीब हो चुका हूँ फिर से, काफी ज्यादा पैसे जा चुके हैं भाई मेरे, और इधर देखते हैं भाई ये मैच कैसे जाता है भाई, निकिता अनाउंस जीत गया, एंड उन्होंने भाई क्या बात है नाइस भाई, इनकी राइवलरी भी 2 पे चली गई, और उन्होंने मैच भी अच्छा दे दिया भाई, 3.5 स्टार दिया, तो आई एम गुड, और इनका लेवल 4 पे जा चुकी है राइवलरी, बट वीक गया है इनका प्रोमो, ओके क्योंकि वैसे ही सिक हो चुके थे तो मैंने इनको मैच भी नहीं दिया भाई, क्यों मैं नहीं लेना चाहता था भाई रिस्क इसमें बिल्कुल भी, ओके जेक द स्नेक रॉबर्ट जीत गए, एंड मैच गया है गुड, ओके राइवलरी चली गई 2 पे, ओके आई एम हैप्पी, ओके चैरिटी प्रोमो कराया था भाई शेनो मैक से, और उन्होंने 5000 फैंस हमको लाके दे दिया, तो इट्स गुड, लेट्स सी यहाँ पे क्या हाल चाल है, जे उसो जिमी उसो वर्सेस आरके ब्रोस, तो इनका मैच गुड गया है, उम्मीदें बहुत ज्यादा थी बट खरा नहीं उतरे भाई उम्मीदों पे, तो इट इज व्हाट इट इज गाइस, इट वाज इट, मेरा यार दिमाग खराब हो गया, जीजी ने अच्छा दिया यार, गुड गया इनका प्रोमो, ओके इनका चैरिटी प्रोमो अच्छा गया, बाकी इधर देखते हैं भाई हेल इन अ सेल के अंदर मैच है गंथर वर्सेस बीस्ट ब्रॉक लेजर का, और गाइस तो मैच की रेटिंग कही है अमेजिंग, और भाई इस मैच को सिमुलेट नहीं कर पाया भाई मैं, क्योंकि ये मैच चल गया भाई 2 घंटे से ऊपर चल गया भाई, और मैच का रिजल्ट ही नहीं मिल रहा था भाई, क्योंकि इन्होंने सेल तोड़ दिया और अंदर ये जा नहीं रहे थे भाई, ऊपर से भी दोनों सेल टूट गए थे और भाई ये अंदर नहीं जा रहे थे बीस्ट, और गंथर अंदर जाने को तैयारी नहीं थे भाई रिंग के, तो मैच खत्म नहीं हो रहा था और भाई मैच चले जा रहा था, तो इस वजह से मुझे सिमुलेट करना पड़ गया भाई ये मैच, आई एम सॉरी बट ब्रॉक लेजर स्टिल योर WWE चैंपियन, तो ऐसा भाई अपना शो गया, बाकी चेकआउट करते भाई स्मैकडाउन का कैसा गया है, लेट्स सी भाई प्लीज अच्छा मत देना, ओके बेली पहला मैच एक्सट्रीम रूल्स लगाया था भाई, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना भाई हेल इन अ सेल मैच को नहीं करना है भाई अपन को, स्पेक्टेट ओके सिमुलेट करेंगे बस अपन लोग, ओके इन्होंने सेकंड मैच अच्छा नहीं दिया तो ये मेरे लिए अच्छा हो गया, ब्रूजर फाइटर करवा दिया इन्होंने, ओके और ये मैच गया है गुड, और इनकी राइवलरी स्टार्ट हो गया, ओके इनके भी मैच कुछ अच्छे नहीं जा रहे, ठीक ठाक मैच जा रहा है, एक्सट्रीम रूल्स मैच दिया था बाय द वे इन्होंने, ओके ऑलराइट एंड मिड कार्ड मैच, और ये गया टेबल्स मैच, और नाइस आई थिंक इनके प्लेयर इंजर्ड पड़े हैं भाई, क्योंकि मेरे को कोई भी इनके तगड़े प्लेयर नहीं दिख रहे, बाकी इनकी राइवलरी चलवा रहे थे भाई ये, और ये अच्छा जा सकता है, यस भाई ये अमेजिंग गया भाई, बहुत बढ़िया मैच बहुत बढ़िया, बाकी लेट्स सी भाई एनएक्सटी का क्या हाल चाल है, एनएक्सटी के पास पैसा बहुत है बट पता नहीं लगा क्यों नहीं रहा है, अमेजिंग ओके नाइस अमेजिंग बहुत बढ़िया, डू ड्रॉप एंड यूज का अच्छा मैच दिया, पॉपुलैरिटी बढ़ गई भाई कोफी किंगस्टन की, ओके जोमदार का मैच ये जिसका इसके साथ, और इनकी राइवलरी ओके राइवलरी कंप्लीट हो चुकी है, इनकी राइवलरी खत्म हो चुकी है, एंड ग्रेट मैच गया ओके एलेक्सा ब्लेस एंड ओके 1 2 3 एंड लेट्स सी भाई इनका कैसा जाता है, ओके मिड कार्ड मैच एनएक्सटी अच्छा कर रही है भाई स्मैकडाउन से अच्छा कर रही है एनएक्सटी बाद हुए एनएक्सटी अच्छा कर रही है स्मैकडाउन से ओके बट यहाँ पे इन्होंने कर दिया है भाई गोबर कर दिया है यहाँ पे इन्होंने गोबर कर दिया ओके लेट्स सी मेन इवेंट कैसा जाता है इनका, डोव ज़िगलर जीत गए मॉन्टेस फोर्स से एंड इट्स अमेजिंग ओके लेट्स सी भाई रेटिंग में क्या हाल का हाल चाल है ओके तो पहला मैच मैं हारा दूसरा मैच बराबर गया तीसरा मैच एनएक्सटी जीता चौथा मैं जीत गया पांचवा बराबर रहा तो इस बार भाई रेटिंग में आई थिंक मेरे हिसाब से बाजी मार ली भाई एनएक्सटी ने क्योंकि एनएक्सटी भाई पहला और तीसरा जीत चुकी है और मैं सिर्फ एक जीता हूं और स्मैकडाउन अता पता भी नहीं है स्मैकडाउन का तो
करते हैं भाई कंटिन्यू एंड देखते हैं भाई अपन ने फैंस कितने गेन किए। लेट्स सी भाई, लेट्स लुक एट द फैंस। ओके लुक एट द फैंस भाई, मजा आ गया भाई। फैंस अपने बहुत अच्छे कर लिए और प्रॉफिट भी भाई 94,000, क्या बात है। 94, 94, यस भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके इनको भी ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ है, फैंस भी अच्छे मिले, ठीक है, बट उससे ज़्यादा नहीं। ओके ओके इनको भी अच्छे फैंस गेन हुए हैं, NXT के भी। ओके इनको प्रॉफिट इतना अच्छा नहीं हुआ जितना मुझे प्रॉफिट हुआ था भाई। और हेल्थ स्पा मिल चुका है भाई अपन को, क्योंकि अपन ने कर लिया था भाई कमिश्नर गोल कंप्लीट। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट रॉ की तरफ एंड करते हैं अपना शो फटाफट से बुक। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो मैंने जो प्रॉमिस किया था भाई कि अपने शो को भाई लेके आएंगे अब हम नंबर वन पे, तो भाई वो मैंने कर दिखाया भाई, अपना शो आ चुका है फिर से नंबर वन पे। रॉ इज ऑलवेज नंबर वन, ऑलवेज 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 भाई। तो अपना शो आ चुका है नंबर वन पे, स्मैकडाउन जा चुका है नंबर टू पे, एंड एज यूजुअल थर्ड पे है भाई हमारा NXT। ओके तो करते हैं भाई अपना नेक्स्ट शो बुक और देखते हैं भाई उसमें कैसे जाता है भाई। कर्ट एंगल का मुझ पे मैसेज आ चुका है, कर्ट एंगल क्या चाहिए, वैसे तुमने बहुत सारी दोस्ती दिखा दी भाई मुझे, इतने सारे पावर कार्ड मेरे थोपड़े पे मारकर। ओके योर शो रियली गुड, टॉप द चार्ट, एंड हाउ डू यू मैनेज टू पुल दैट ऑफ, नहीं बताऊंगा मैं, नहीं बताऊंगा मैं, आई एम द बेस्ट, इट्स दैट सिंपल, यस आई एम द बेस्ट एंड दैट सिंपल। ओ भाई सही है, आई हैड अ Enough crap, working at Raw has been complete. जो भाई क्या बात कर रहा है यार, वीर वीर सर क्या बात कर रहे हो भाई आप, सॉरी आई डोंट थिंक सो वीर, नहीं यार मैं इतने नहीं दे सकता भाई, मैं किस किस को दूंगा भाई, ऑलरेडी मैं काफी लोगों को दे चुका हूँ, मैं नहीं दे सकता भाई। 100K बोनस यार मजाक करता है, एटलीस्ट 50K मांगो तो भी मैं सोचू भाई 100K बोनस सीरियसली। ओके लुक रिटर हैज बीन हैंडलिंग मी नथिंग बट लॉसेज, इजंट देयर समवन एल्स ऑन द रोस्टर यू कैन मैच अप अगेंस्ट फॉर अ चेंज। ओके ओके तो कर सकते हैं भाई, ओके 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 कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट इनकी राइवलरी भी चल रही है। ऑलराइट तो फिर से शेकअप आ चुका है भाई और मैं इसमें जाने वाला हूँ फिर से सिल्वर के लिए, क्योंकि ये ज्यादा अच्छा लग रहा है भाई मुझे। इसमें भाई है हाई क्लास, तो इसमें भाई रेजोल्यूशन है, तो इसमें क्या हो सकता है भाई, अपन को 10,000 फैंस मिल सकते हैं, बट उसके साथ साथ हमें भाई 3,000 का उसमें नुकसान होगा, सॉरी 30,000 का अपन को नुकसान होगा। बाकी हमारी जो राइवलरी थी भाई, जो प्लेयर्स की राइवलरी चल रही थी, वो खत्म हो जाएगी। तो आई थिंक मेरे हिसाब से मैं ये यूज़ कर लेता हूँ, बाकी एक ब्रॉन्ज है, दो ब्रॉन्ज है, तो मेरे हिसाब से मैं इसी के साथ जाना चाहूँगा भाई, मैं इसी के साथ जाना चाहूँगा। और गाइस तो करते हैं फटाफट से इस हफ्ते का रॉ का शो बुक और मिलते हैं फटाफट से आपसे शो बुक करने के बाद। और भाई हमारे पास कमिश्नर गोल आ चुका है भाई, हैव एटलीस्ट वन हेल इन सेल मैच दिस वीक, तो हेल इन सेल वीक कराना है मुझे, इस वीक में मैच कराना है मतलब इसी हफ्ते। और हमको क्या मिलेगा भाई, इंजरी रिहैब मिलेगा, तो ये बेस्ट है भाई, तो करवा सकते हैं अपन लोग। लेट्स सी भाई, मिलते हैं फटाफट से आपसे शो बुक करने के बाद, लेट्स गो। और गाइस तो शो हो चुका है बुक और भाई गंथर और ब्रॉक लेसनर की हो चुकी है खत्म राइवलरी, और भाई मैंने ये मैच सेलेक्ट करे भाई, और मैंने नया मैच नया अपोनेंट सेट किया भाई मेन इवेंट में ब्रॉक लेसनर के लिए, यानी कि सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। अगर वो जीतते हैं भाई तो उनको टाइटल मैच अपन लोग देंगे, नहीं तो उन्हें दोबारा से अर्न करना पड़ेगा। तो चलते हैं भाई, करते हैं शो को बुक और मैं एक बार रीचेक कर लेता हूँ भाई, मैंने सब कुछ कर लिया ना सेलेक्ट, यस भाई मैंने सब कुछ कर लिया सेलेक्ट। तो फटाफट से करते हैं शो को बुक और करते हैं कंटिन्यू और देखते हैं भाई इस हफ्ते मैं कैसा करने वाला हूँ। तो लेट्स सी भाई, फिंगर क्रॉस अगेन, ओके सिमुलेट करते हैं। बाकी मुझे उम्मीद है भाई अच्छे जाएंगे, बाकी मैंने पैसा अपना ज़्यादा खर्च नहीं किया, मैं सोच रहा पैसा बचाऊँ भाई। ओके गुड गया है, ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ा ज़्यादा जाएंगे क्योंकि राइवलरी भी ठीक ठाक है। ओके 10 पॉपुलैरिटी और कम होगी बेचारे की, बट इन्हें मुझे 1,000 रुपये दे दिए लाके, बढ़िया भाई। ओके मिड कार्ड मैच देखते हैं भाई, जेक द स्नेक रॉबर्ट वर्सेस बिल गोल्डबर्ग, लेट्स सी कैसा मैच होता है इनका, फाइटर वर्सेस ब्रूजर, लेट्स सी। ये मैच क्या भाई, ग्रेट, इट मीन्स 3.5 स्टार। ओके एंड इसमें भाई मुझे 2,500 मिल चुके हैं भाई इसमें मुझे पॉइंट्स, तो ये ठीक है भाई, बाकी देखते हैं भाई नेक्स्ट क्या होता है। और भाई मेरे पीछे से जो भी आवाज़ रही है उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दो भाई, मेरे नीचे संगीत हो रहे हैं भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके ये मैच गया अमेजिंग, तो बढ़िया भाई, नाइस, मज़ा आ गया भाई इस मैच के लिए मुझे, मुझे उम्मीद भी थी भाई इस मैच से गंथर और इनका अच्छा मैच जाएगा। बाकी करते हैं इसको सिमुलेट एंड देखते हैं भाई कौन जीतता है, इट्स बीस्ट या फिर सेथ फ्रिकिन रॉलिंस जीत गया भाई, और उनको मैं टाइटल मैच दूंगा भाई आगे, और इनकी स्टोरी और इनकी सब कुछ बिल्ड कराएंगे भाई अपन लोग आगे, दुश्मनी भी और इनकी दुश्मनी राइवलरी स्टार्ट हुई कि नहीं वो तो हमें नहीं पता, वो आगे जाके देखेंगे भाई। सिमुलेट करते हैं स्मैकडाउन का पूरा शो सिमुलेट करते हैं भाई फटाफट से, ओके आगे जाके रेटिंग देखेंगे भाई, क्योंकि सीधा आगे जाके रेटिंग देखने वाले अपन लोग कैसा जाने वाला है, सरप्राइज था ना भाई। तो ठीक है भाई, तो स्मैकडाउन ने फिर से मेरी ले ली है भाई, तो इस हफ्ते भी स्मैकडाउन फेयर एंड स्क्वायर जीत गया भाई सबसे, मेरे से भी NXT से भी। तो ये हमारा रहा भाई, करते हैं कंटिन्यू इसको भी और
चलते हैं भाई, देखते हैं फैंस कितने, 46,000 फैंस कमाए, 77 का प्रॉफिट हुआ मुझे, ओके ठीक है। लेट्स सी स्मैकडाउन का क्या हाल चाल है, 61,066 का प्रॉफिट, ओके। लेट्स सी एनएक्सटी का कर रही है भाई, 49,000 एंड 38,000 का प्रॉफिट, ओके। तो मैं ठीक ठाक चल रहा हूँ, और भाई मेरे को रिहैप का भी मिल गया भाई, इंजरी रिहैप का भी मिल चुका है मुझे कार्ड, ओके ओके। नेटवर्क स्पेशल का भी मिल गया मुझे कार्ड, ओके नाइस भाई, नाइस नाइस नाइस। द फैंस योर शो गेन्स दिस वीक विल इंक्रीज बाय लार्ज अमाउंट, ओके नाइस, ओके स्टिल वी आर द नंबर वन, ओके अभी है भाई हमारा शो नंबर वन। तो खत्म करते हैं इसी तरह से वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक गुड बाय, टेक केयर, धार को सेफ रहो। जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेक श्योर आप लाइक कर देना, कमेंट कर देना कोई भी अच्छा सा जो भी आपको लगता है वीडियो के बारे में। बाकी मिलते हैं आपसे जल्दी, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट।